हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की इस क्लास में अपने इस पेपर में हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। शैवालों का वर्गीकरण, वो किस तरीके से किया गया है। शैवाल शब्द जो है एल्गी, वो सबसे पहले लिनायस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1753 में किया था, और उसके बाद में इस जो ये ग्रुप है एल्गी का, इसकी डी जिसू ने 1789 में पहचान की थी। और लिनायस ने एल्गी को, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी स्पीशीज प्लांटेरम, उसमें जो मॉस है और जो फंजाई हैं उनके साथ में शैवालों को रखा था, जिसको उन्होंने क्रिप्टोगेमिया नाम दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज हमारी एल्गी के बारे में बढ़ती गई, उसमें हमने इकलर ने, जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसको थैलोफाइटा वर्ग में रखा लगभग 1886 में। तो जो एल्गी हैं थैलोफाइटा मैम ग्रुप में जो रखी गई थी, उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको वर्गीकरण इसका किया है। और जो जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर है, उसने ये कुछ सफिक्सेस बताए हैं शैवालों की विभिन्न कैटेगरीज़ के लिए। जैसे डिवीज़न है एल्गी का, तो उसके लिए लास्ट में फाइटा वर्ड लगता है, और सब डिवीज़न है तो उसके लिए फाइटीना लगेगा, क्लास के लिए फाइसी लगेगा, जैसे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटीना, सब क्लास है तो फाइसी डी लगेगा लास्ट में, ऑर्डर है तो एल्स लगेगा, ALES, और अगर सब ऑर्डर है तो इनेल्स लगता है लास्ट में, INALES, और फैमिली अगर है तो AC लगता है, ACEAE, और सब फैमिली है तो OID लगाते हैं, OIDEAE। तो अगर ये वर्ड्स इनके पीछे लगे हुए होते हैं तो हम उससे ये पता लगाते हैं कि ये डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, किसकी बात हम कर रहे हैं। जो इसका क्लासिफिकेशन है, वो बेसिकली शैवालों का क्लासिफिकेशन कुछ उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ उसके बेसिस हैं, कुछ आधार बनाए गए हैं जिसके आधार पे शैवालों को क्लासिफाई किया गया है। जो मुख्य कैरेक्टर हैं इनको क्लासिफिकेशन करने में, शैवालों के क्लासिफिकेशन में, वो है इनका, एक तो जो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिज़िकल फीचर ऑफ सेल वॉल, जो कोशिका है जिससे जो सेल एल्गी की जो कोशिका है उसकी फिज़िकल फीचर कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, मतलब उसका केमिकल नेचर कैसा है, सेल वॉल कैसी है, दूसरा उसमें रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, और उसमें जो पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं एल्गी में, वो पिगमेंट्स किस तरीके के हैं, और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, मीन्स रिप्रोडक्शन उसमें किस तरीके का है, हैबिटेट कैसी है, इन सब बातों पे शैवालों को वर्गीकृत किया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एल्गी का, वो जो हमारे कोर्स में है वो फ्रिश का क्लासिफिकेशन है, और इसके अलावा भी, फ्रिश के अलावा भी कई क्लासिफिकेशन हैं, जैसे स्मिथ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया है एल्गी का, और इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं एंगलर प्रेंटल है, उन्होंने भी एल्गी का वर्गीकरण किया है, राउंड साइंटिस्ट ने भी किया है, चैपमैन एंड चैपमैन ने किया है, लेकिन इनमें जो फ्रिज का क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो जाता है।
फ्रिश के क्लासिफिकेशन में जो फ्रिश साइंटिस्ट थे, एफ ई फ्रिश, जिन्होंने 1935 से ले और 48 में अपनी किताब में, एक उनकी प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है, बुक है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है एल्गी का, और वही आधार उन्होंने भी माने हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए। फ्रिश ने 11 क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया, और ये जो मुख्य बिंदु थे, मुख्य आधार थे इनके वर्गीकरण के, वो थे थैलस का स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल नेचर ऑफ पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब उसमें जो संचयी भोजन है वो किस रूप में है एल्गी में, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, लाइफ साइकिल कैसी कैसी हैं, और जो फ्लैजिला है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो अटैच रहते हैं सेल पे, इनके बेसिस पे उन्होंने कई 11 क्लासेस में लगभग इसको बांटा है। ये 11 क्लासेस जो फ्रिज की हैं उनके नाम हैं क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, ये लास्ट में सी ई ए ई लग रहा है इनके, दैट मीन्स दे आर क्लासेस ऑफ एल्गी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी और क्लोरोमोनिडिनी, यूग्लिनिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। तो ये 11 क्लासेस में फ्रिज ने सारी एल्गी को क्लासिफाई किया था। तो अब हम इनके एक एक क्लास के कुछ मुख्य जो कैरेक्टर हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे पहली जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में जो मुख्य जो कैरेक्टर हैं क्लोरोफाइसी के वो हैं कि एक तो इसमें जो पिगमेंट है वो जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसी तरीके के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स हैं और जेंथोफिल्स इनमें पाए जाते हैं, जो येलो पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स वो भी इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जनरली पायरेनॉइड्स जो हैं, पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं, और जो फूड रिजर्व है, रिजर्व फूड मटेरियल है, वो स्टार्च के रूप में होता है जो कि पायरेनॉइड के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। जो सेल वॉल है कोशिका की क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में वो सेल्युलोज की बनी होती है, और जो सेल्स होती हैं वो टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब डेवलप्ड सेल विद सेल्स विद डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जो मोटाइल सेल्स होती हैं उसमें फ्लैजिला जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, दो जो फ्लैजिला हैं वो दो या चार हो सकते हैं और वो इक्वल लेंथ के होते हैं और कोशिका के आगे की तरफ लगे हुए रहते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे डेस्मोटेट्रा है, स्टाइग्नो, ये यहाँ चित्र से आप इनके नाम देख सकते हैं, स्टिगियोक्लोनियम, डेस्मोडेस्मस और क्लेमाइडोमोनास है, पेडियस्ट्रम और वॉलवॉक्स, ये इसके क्लोरोफाइसी के कुछ इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। दूसरी जो क्लास है वो है जेंथोफाइसी। फ्रिज ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें दूसरी क्लास जेंथोफाइसी है, और जेंथोफाइसी में जो जेंथोफाइसी को हम जनरली येलो ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और येलो ग्रीन एल्गी में ये मोस्टली जो है वो पानी, जो फ्रेश वाटर है उनमें पाई जाती हैं, कुछ एल्गी इसमें से समुद्री पानी में भी पाई जाती हैं। जो पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए और ई मुख्यतया पाया जाता है, उसके साथ में इसमें बीटा कैरोटिन और जेंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो जेंथोफिल्स हैं ये इसको येलो ग्रीन कलर देते हैं एल्गी को। प्लास्टिड्स जो हैं उसमें पायरेनॉइड्स नहीं होते, और रिजर्व फूड मटेरियल इनमें ऑयल के रूप में पाया जाता है। सेल वॉल बेसिकली इसमें पैक्टिन सब्सटेंसेस की बनी होती है,
और सेल्युलोज जो है वो कम होता है, और जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें आगे की तरफ जो दो फ्लैजिला लगे हुए रहते हैं वो अनइक्वल या असमान लंबाई के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन आइसोगेमस टाइप का पाया जाता है। एग्जाम्पल इसमें हम अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो वाउचेरिया जो एल्गी है वो इसकी इसका मुख्य उदाहरण हो सकता है, होता है। और इसके अलावा, वाउचेरिया के अलावा हेट्रोक्लोरिस और ट्राइबोनीमा बॉट्राइडियम ये भी इसके मुख्य उदाहरण हैं। ज़ेंथोफाइसी जो है वो चार ऑर्डर्स में डिवाइडेड है और उस फिर उसकी फैमिलीज होती हैं, लेकिन यहाँ अपने को केवल क्लास के लेवल पे एल्गी का क्लासिफिकेशन देखना है। तीसरी जो क्लास है दैट इज़ क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी क्लास जो है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ये मिलते हैं, और इसमें जो मेन पिगमेंट है जो इसको क्राइसोफाइसी को ब्राउन या ऑरेंज कलर देता है वो है फाइकोक्राइसिन। मेन जो इसमें पिगमेंट है जो इसको ब्राउन और ऑरेंज कलर प्रदान करता है। इसमें क्रोमेटोफोर्स जो हैं, जो वर्णक पाए जाते हैं, उसमें पायरेनॉइड की तरीके के कुछ बॉडीज़ पाई जाती हैं। फूड रिज़र्व जो है वो क्राइसोलेमिनरिन और ल्यूकोसिन, दो तरीके के इम्पॉर्टेंट फूड रिज़र्व हैं, फैट्स हैं, फैट्स एंड ल्यूकोसिन। सेल वॉल में सेल्युलोज नहीं होता और ये कैल्सीफाइड, कैल्शियम पाया जाता है इसमें, और सिलिसिफाइड होती है। मोटाइल सेल्स जो हैं इसमें दो आगे की तरफ जो फ्लैजिला लगे हुए रहते हैं वो इक्वल या अनइक्वल तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी एग्जांपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम पाया जाता है और ज़्यादातर इसमें ये आइसोगेमस टाइप का होता है। इसके उदाहरण हम क्राइसोफाइसी जो क्लास है उसमें हम एक तो क्रोमुलिना या क्राइसो क्लोनियम, नेमेटोक्राइसिस, इस तरीके की एल्गी के हम उदाहरण इसमें दे सकते हैं। चौथी जो क्लास है फ्रिश की बताई हुई दैट इज़ बेसिलेरियोफाइसी, या इसमें हम डायटम्स को इंक्लूड करते हैं जो येलो और गोल्डन ब्राउन कलर की एल्गी होती हैं। ये जो क्लास है वो गोल्डन ब्राउन पिगमेंट की वजह से पहचानी जाती है, और ये जो पिगमेंट्स हैं ये हैं फ्यूकोजेंथिन और डायटोजेंथिन और डायडिनोजेंथिन, ये मुख्य इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो क्रोमेटोफोर्स हैं उसमें पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फैट्स और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। ये जो एल्गी हैं ये इनकी जो सेल वॉल है वो पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी हुई होती हैं, और ज़्यादातर इनमें डायटम्स आते हैं इस ग्रुप में, और ये जो डायटम्स होते हैं वो दो इक्वल हाफ्स मतलब आधे इक्वल पोर्शंस के होते हैं, मीन्स बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी इनकी पाई जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये दो टुकड़ों में विभाजित होने वाले थैलस इसमें पाए जाते हैं। सेल्स जो हैं उसमें एक जो मोटाइल सेल्स होती हैं फ्लैजिला इसमें एक ही पाया जाता है, और जो उदाहरण है इसके हम डायटम्स के उदाहरण में हम दे सकते हैं नेविकुला, पिनुलेरिया और साइक्लोटेला, इस तरीके के उदाहरण पिनुलेरिया ये
डायटम्स के उदाहरण है, जो सेल वॉल है वो उसमें अलग अलग ऑर्नामेंटेशंस पाए जाते हैं, मतलब डिज़ाइंस पाई जाती हैं, और गोल्डन ब्राउन कलर की ये एल्गी होती है। नेक्स्ट जो क्लास है, फिर ने जो अगली क्लास बताई थी क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी जो क्लास है वो भी इस क्लास के जो शैवाल हैं वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह, मरीन हैबिटेट मतलब समुद्री जल और फ्रेश वाटर जल में पाए जाते हैं, और इनमें जो पिगमेंट है मेन पिगमेंट वो ज़ेंथोफिल होता है, जो कि इसको ब्राउन या रेड कलर इन एल्गी को देता है। पायरिनोइड लाइक बॉडीज दे आर प्रेजेंट, बट दे आर ऑफन इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी क्लोरोप्लास्ट या उसके क्रोमेटोफोर्स के साथ अटैच नहीं होती और इंडिपेंडेंटली पाई जाती है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इसमें जो मतलब रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च या ऑयल के रूप में हो सकता है, और मोटाइल सेल्स जो फ्लैजिला हैं इसमें वो आगे की तरफ लगे हुए दो अनइक्वल फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, जो इनको गति प्रदान करते हैं सेल, इसकी सेल्स को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कम पाया जाता है, और अगर होता है तो वो आइसोगेमस टाइप का होता है, जिसमें एक ही तरीके के गैमेट्स पाए जाते हैं। इसमें हम उदाहरण लेते हैं क्रोमोनास, एक तो एल्गी है क्रोमोनास, और टेट्रागोनीडियम एंड क्रिप्टोमोनास, रोडोमोनास, इस तरीके के एल्गी के हम इसमें उदाहरण लेते हैं। जो मेन पिगमेंट है वो इसमें क्रोमेटोफोर्स हैं, जो कई तरीके के पिगमेंटेशन बताता है, कुछ मतलब रेडिश ब्राउन कलर के ज़ेंथोफिल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्गी इज़ डायनोफाइसी, एंड डायनोफाइसी एल्गी जो है वो भी सी वाटर में पाई जाती है, समुद्री जल में पाई जाती है, और इसमें जो मेन पिगमेंट है वो ज़ेंथोफिल है, जो इसको ब्राउन और रेड कलर प्रदान करता है। डार्क येलो और ब्राउन, तो स्पेशल टाइप के ज़ेंथोफिल्स इसमें पाए जाते हैं। नो जो मेंबर्स हैं उसमें मोटाइल सेल्स अगर हैं तो उनमें दो फ्लैजिला पाई जाती हैं। सेल वॉल जो हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादातर आइसोगेमस टाइप का, मतलब एक ही तरीके के सिमिलर समान प्रकार के गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जो एल्गी हैं डायनोफाइसी के मेंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लूरोमोनास है, और डायनोफ्लैजिलेट, सिरेशियम, सिस्टोडिनियम, इस तरीके के एल्गी के हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अगली सातवीं क्लास है क्लोरोमोनेडिनी। क्लोरोमोनेडिनी के मेंबर जो हैं वो उसमें बहुत सारे डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और ये जो एल्गी हैं वो ब्राइट ग्रीन टेंट लिए हुए होती हैं, ब्राइट ग्रीन कलर इनमें पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत एक्सेस ऑफ ज़ेंथोफिल्स पाए जाते हैं। तो पायरिनोइड्स जो हैं वो नहीं पाए जाते, उनकी कमी होती है इनमें, और रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल या फैट के रूप में पाया जाता है। जो फ्लैजिला हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के दो फ्लैजिला इसमें सेल्स के आगे की तरफ लगे हुए रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं क्लोरोमोनेडिनी में, फॉर एग्जांपल ट्रेंटोनिया और वैक्यूलेरिया, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है, जो फ्रिस्ट ने दिए 11 क्लासेस में से आठवीं क्लास, दैट इज़ युगलिनी। युगलिनी क्लास जो है वो बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड प्रकार के, इसमें यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, और ग्रीन फ्लैजिलेट्स होते हैं, इसमें बहुत क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स भी पाए जाते हैं इन एल्गी में,
और जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पैरामाइलॉन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। देन इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं उनमें एक या दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि एंटीरियर एंड से कोशिका के अग्रभाग से निकले हुए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ही फॉर्म्स में पाया जाता है और वो भी आइसोगेमस प्रकार का होता है। इस क्लास में हम जो उदाहरण लेंगे वो जैसे एस्टेशिया, युगलीना और एनाइसोनीमा, पेटेलोमोनास, ये कुछ इसमें एल्गी के उदाहरण हैं। अगली जो क्लास है दैट इज़ फियोफाइसी। फियोफाइसी जो क्लास है उसमें उसको हम कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, भूरे रंग के शैवाल, और ये ज़्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसमें जो मेन पिगमेंट है वो फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और सी भी इनमें इसमें बहुतायत से मिलता है। कैरोटीन्स हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, और लेकिन क्लोरोफिल बी इसमें नहीं पाया जाता। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो मैनिटॉल के रूप में होता है जो एक अल्कोहल है, तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें मैनिटॉल या लेमिनरिन फैट के रूप में भी पाया जाता है, पर मुख्यतया मैनिटॉल के रूप में पाया जाता है। और जो पॉलीसेकेराइड है लेमिनरिन और फैट्स भी इसमें पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है वो मेनली सेलुलोज की बनी होती है और उसमें एल्जिनिक एसिड भी पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला हैं इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लेटरल होता है और मतलब लेटरल साइड में लगे हुए दो फ्लैजिला होते हैं, उनमें से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया हुआ रहता है, मतलब डायरेक्ट वन इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड द अदर इज़ बैकवर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस से ओगेमस तरीके का होता है। और एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस जो इन शैवालों के उदाहरण है एक्टोकार्पस है, आर्थ्रोक्लेडिया, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, पेडाइना, सरगेसम, फ्यूकस, ये इसमें मुख्यतया इसके मुख्य उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्लास इज रोडोफाइसी और कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। ये एल्गी जो हैं वो मरीन एल्गी होती हैं, समुद्री जल में पाई जाती हैं, और इसमें मल्टी एक्जियल थैलाई इसमें पाए जाते हैं, बड़े थैलस इसके होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में जो मुख्य इसमें पिगमेंट पाया जाता है दैट इज़ आर फाइकोएराइथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, और ये जो पिगमेंट हैं इस एल्गी को रेड कलर प्रदान करते हैं, इसलिए ये रेड एल्गी भी कहलाती हैं। पायरेनोइड्स इसमें पाए जाते हैं, कुछ पायरेनोइड लाइक बॉडीज़ जो हैं वो कुछ इसमें इस क्लास के कुछ फॉर्म्स में मिलती हैं, कुछ शैवालों में पाई जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल रोडोफाइसी में मुख्यतया एक पॉलीसेकेराइड है जिसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं उसके रूप में मिलता है। जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जो आउटर सेल वॉल है वो पैक्टिन की बनी हुई होती हैं, और जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स या सेल्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, मतलब गतिशील नहीं होती हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत एडवांस लेवल का ओगेमस टाइप का होता है। इस क्लास को भी 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, और जो मुख्य उदाहरण हैं इस क्लास के वो हैं जैसे बट्राकोस्पर्मम है, पोरफायरा और डिमोनशिया, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया इसका मुख्य उदाहरण है जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, रोडोफाइसी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब। एंड द लास्ट क्लास गिवन बाय फ्रिट्स इज़
मिक्सोफाइसी और इट इज़ बेटर नोन एज साइनोफाइसी, और साइनोफाइसी को हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक दे आर प्रोकैरियोटिक इन देयर सेल स्ट्रक्चर, मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, रूडिमेंट्री न्यूक्लियस पाया जाता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटोफोर्स भी इसमें नहीं मिलते हैं, तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो मेन पिगमेंट्स हैं इसमें क्लोरोफिल और अल्फा बीटा कैरोटीन के साथ में सी फाइकोसाइनिन इसमें मुख्यतया पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको एराइथ्रिन। और ये जो हैं वो कलर वेरिएशन देते हैं, ये जो फाइकोसाइनिन और फाइको एराइथ्रिन पिगमेंट है, और जनरली इन एल्गी को ब्लू ग्रीन कलर से ये पहचानी जाती है। जो सेल वॉल है वो इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीमर्स, फूड रिजर्व इसमें एक स्पेशल टाइप का स्टार्च पाया जाता है जिसे साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हार्मोगोनिया या एकिनेट से होता है, या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता लेकिन उनकी जगह इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया या एकिनेट से के द्वारा संपादित होता है। पांच ऑर्डर्स होते हैं इस क्लास के, जो मुख्य उदाहरण हैं वो जैसे ग्लियोकैप्सा है, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, शाइटोनिमा, ये इसके मुख्य उदाहरण है ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रिश ने 11 क्लासेस में इसको डिवाइड किया था, और इन 11 क्लासेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं जिसको हमें अपने क्लास में पढ़ना है, जैसे क्लोरोफाइसी का मेंबर हम पढ़ेंगे, वॉलवॉक्स हमारे कोर्स में है, कारा हमारे कोर्स में है क्लोरोफाइसी में, और उडोगोनियम है तो वॉलवॉक्स, उडोगोनियम और कारा हम क्लोरोफाइसी के पढ़ेंगे, जेंथोफाइसी हमारे कोर्स में है फर्स्ट ईयर में, तो जेंथोफाइसी में हम वॉचेरिया एल्गी को पढ़ेंगे, देन फियोफाइसी, फियोफाइसी में मैक्टोकार्पस और सरगेसम के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन रोडोफाइसी मीन्स पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी में हम पॉलीसाइफोनिया को एज अ मेंबर पढ़ेंगे। तो हमें इन 11 में से 4 क्लासेस हमारे कोर्स में हैं जिसको हम डिटेल में धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आपको इसमें एल्गी का क्लासिफिकेशन लिख के याद करना है, कौन सी 11 क्लासेस हैं, फ्रिट्स ने जो बुक है जिसमें उन्होंने इन सब के बारे में वर्णन किया है उस बुक का क्या नाम है, कब लिखी गई है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में बनाने हैं। सो थैंक यू वेरी मच।